हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शौकत और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ डैक्सन होम्योपैथी कंपनी का रियोमेड टैबलेट्स के बारे में। ये जो रियोमेड टैबलेट्स है, इसका इंडिकेशन में लिखा हुआ है फॉर जॉइंट पेन्स, मास्कुलर वीकनेस एंड फैटिक, यानी ये जॉइंट पेन में काम आते हैं। मास्कुलर वीकनेस, हाथ पैर में अगर मसल में वीकनेस है, काम करने में तकलीफ हो और कोई भारी काम करने के बाद अगर फैटिक यानी उसमें थकावट फील हो, थकान फील हो, वीकनेस फील हो, तो इसके लिए ये रियोमेड टैबलेट्स आप ले सकते हैं। अब इसका जो डोज है, एडल्ट को एक टैबलेट दिन में 3 बार लेना है और बच्चे हो तो एक ही टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। और इसका जो MRP है वो है 170 रुपीस। हर एक टैबलेट का वजन है 550 mg, 550 मिलीग्राम का एक टैबलेट है और इसमें टोटल 75 नंबर्स ऑफ टैबलेट्स है। ये बनाया गया है बैक्सन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, यानी बैक्सन होम्योपैथी कंपनी का। अब इसमें कौन कौन सा दवाई मिला के बना हुआ, इसके इंडिकेशन क्या है, मैं एक एक करके हर एक दवाई का नाम और उसका बारे में कुछ बताऊँगा। नंबर वो इसमें जो है कैल्केरिया फॉस्फोरिका 3X है। कैल्केरिया फॉस्फोरिका हड्डी के लिए बहुत अच्छी दवाई है, बच्चे लोग को ग्रोथ होने के लिए, टीथिंग यानी डेंटिशन, दांत ठीक तरह से बनना बंद होना, बच्चे लोग को दांत ना उगाना, इसके लिए कैल्केरिया फॉस किए जाते हैं। कहीं अगर चोट लग के हड्डी टूट गया तो उसे जल्दी ठीक होने में कैल्केरिया फॉस इस्तेमाल होते हैं। और फिर रूमेटिक पेन जो होता है, रूमेटिक यानी बात के लिए, रूमेटिक पेन फ्रॉम कोल्ड एयर यानी ठंडे हवा लगने से अगर बात हो गया, रूमेटिक पेन जो ठंडी हवा में बढ़ता है, ठंडी हवा लग के शुरू होता है, तो उसमें कैल्केरिया फॉस दिया जाता है। उसका साथ साथ ये स्टिफनेस ऑफ हेड, सर दर्द में ठंडा लग के सर पे दर्द होना, माथा में सोरनेस यानी दर्द फील होना, और ख़ास करके सैक्रोइलियल बोन यानी कमर का जो दो हड्डी है, कमर का दो तरफ का जो हड्डी है, हिप बोन जिसे हम लोग बोलते हैं, हिप बोन में पेन में भी कैल्केरिया फॉस दिया जाते हैं। और इसका और एक कैरेक्टर है कि नामनेस कोल्ड एंड नाम फीलिंग, जिस जगह पे अगर उसका दर्द हो उस जगह उसको कोल्ड यानी ठंडा फीलिंग होगा और नाम उसका सेंसेशन नहीं लगेगा, वो सब महसूस नहीं पाएगा, उस जगह का सेंसेशन कम रहेगा, नामनेस रहेगा। और ये कैल्केरिया फॉस का हर एक सिम्टम कोल्ड वेदर में ठंडे में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें है फेराम्फॉस। फेराम्फॉस ज़्यादातर बुखार के लिए एक्यूट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन में दिया जाता है, बुखार में, ठंडी सर्दी सर्दी में, जुकाम में, फीवर के साथ साथ अगर स्वेलिंग हो, रेडनेस हो, यानी सूजन का, फेराम्फॉस एक सूजन का दवाई है जो कि फर्स्ट स्टेज में दिया जाता है, एक बायोकेमिक मेडिसिन है। फेराम्फॉस में भी सब देखे जाते हैं स्टिफनेस ऑफ शोल्डर, गर्दन पे ठंडा लग के या सूजन के कारण स्टिफनेस आ जाते हैं, और उसके साथ साथ रिमेटिज्म यानी बात का तकलीफ रहता है, ठंडा में बात फीवर बढ़ जाते हैं, रिमेटिक पेन बढ़ जाते हैं, उसका साथ साथ बुखार आते हैं, और सर्दी लग के, ठंडा लग के, सर्दी हुआ, खांसी हुआ, सूजन हुआ,
किसी हाथ पैर में सूजन आ गया, उसके साथ साथ अगर बुखार हुआ तो ये फेराम्फॉस उसमें दिया जाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलिफॉस। कैलिफॉस एक नर्व का दवाई है। वीकनेस ऑफ नर्व इसका इंडिकेशन है। वीकनेस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हम लोग का जो नर्वस सिस्टम है उसमें से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं, उसमें खास करके सिंपैथेटिक नर्व के लिए कैलिफॉस एक अच्छी मेडिसिन है। और उसमें दिखा जाता है नर्वसनेस रहते हैं, डिप्रेशन रहते हैं, पेशेंट हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, पेशेंट को कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है, कैलिफॉस का मेंटल पावर कम रहते हैं, नर्वस वीकनेस में रहते हैं और उसके साथ साथ डिप्रेशन होता है, यानी नर्वस ब्रेकडाउन के कारण, कोई सैड न्यूज़ के कारण अगर ऐसी हाल हो कि उसका मेंटल पावर चला जाए, नर्वस वीकनेस है, तो कैलिफॉस उसमें दिया जाता है। और उसके साथ साथ में मेलों में कुछ प्रॉब्लम के लिए, जैसा नॉक्टर्नल एमिशन, रात में सपनों दोष होना, वीकनेस हमें फिजिकल यानी शारीरिक संबंध बनाने का बात, अगर कमजोरी लगे, वीकनेस आफ्टर फिजिकल रिलेशन, ये सब कारण के लिए कोई भी काम किया, फिजिकल और मेंटल काम किया, कुछ थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई किया तो कमज़ोर हो गया, मेंटल काम कैलिफॉस कर नहीं सकता, उसको कोई भी हिसाब किताब के काम और थोड़ी सी भी थकावट के काम करेगा तो कैलिफॉस पेशेंट बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, खास करके मेंटल स्टेज में वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। और उसमें दिखा जाता है पैरालिटिक लेमनेस आता है, यानी पैरालिटिक फीलिंग्स आता है, हाथ पैर पैरालिसिस जैसा हो जाता है, लफवा मार जाते हैं जैसा, खास करके पीठ पीठ में, हाथ में थोड़ी सी काम कुछ काम करने का बात ही उसका हाथ पैर में दर्द होता है, और इतना दर्द होता है कि वो उसको हिला भी नहीं पाते, लगता है कि उसको पैरालिसिस हो गया, लफवा मार गया। फिर है नैट्रम फॉस्फोरिकम। नैट्रम फॉस ये ज़्यादातर एसिड इनडाइजेशन इसमें दिया जाता है। इसके साथ साथ देखा जाता है कि इसका रिस्ट में, फिंगर जॉइंट में, नी जॉइंट में दर्द होता है। नैट्रम फॉस यानी सोडियम फॉस्फेट से ये बनाया गया है। इसमें देखा जाता है एसिडिटी और सावर इरेक्टेशन, खट्टा ठिकार उठना, नैट्रम फॉस का एक खासियत है। नैट्रम फॉस में ऐसा दिखा जाता है खट्टा ठिकुर उठना, और उसका जो टांग यानी जीभ है वो जीभ को येलो कोटिंग रहते हैं, उसका टांग जो है येलो कोटिंग में रहता है हमेशा, कितना भी उसको मुंह साफ करें उसका जीभा में, जीभ में येलोइश कोटिंग कलर उसका जीभा का रहता है, टांग का रहता है। और उसके साथ साथ उसका जो जितना भी जॉइंट है पैर में हाथ में, वो अगर मूव करे तो उसमें क्रैकिंग साउंड आते हैं, हाथ पैर को हड्डी हड्डी में जो क्रैकिंग साउंड होते हैं हाथ पैर मुड़ने से, वो ऐसा क्रैकिंग साउंड चलने फिरने में उसको ऐसा खटखट जॉइंट का साउंड आते हैं। इसके लिए भी नैट्रम फॉस और भी दवाई है, पेट्रोलियम है, उसके साथ साथ ये नैट्रम फॉस खास करके अगर उसके साथ साथ एसिडिटी इंडाइजेशन हो, सावर इरेक्टेशन हो, खट्टा ठिकार उठे, तो उसके लिए नैट्रम फॉस एक अच्छी मेडिसिन है, जो कि जॉइंट पेन को भी ठीक करेगा और साथ साथ उसका जो पेट का जो गड़बड़ी है, इंडाइजेशन, दोनों ही एक साथ में काम करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है मैकफॉस। मैकफॉस ज़्यादातर दर्द के लिए दिया जाता है। मैग्नीशियम फॉस्फेट से बना हुआ ये बायोकेमिक मेडिसिन, ये अगर गर्म कोई भी एक्यूट पेन हो, जो हीट लगाने से, गर्म एप्लीकेशन से आराम होता है, तो मैकफॉस इसमें ज़रूर काम आते हैं। मैकफॉस का कोई भी पेन, हॉट एप्लीकेशन, किसी गर्म चीज़ लगाने से अच्छा रहता है, और ठंडे में बढ़ जाते हैं, ठंडे पानी में या ठंडे वेदर में भर जाना
और गर्म चीज़ खाने गर्म लगाने से और हॉट वेदर में कम हो जाना, ये मैकफॉस का एक कैरेक्टर है। मैकफॉस में ही ऐसा दिखा जाते हैं और मैकफॉस में दिखा जाता है उंगली का जो टिप्स है फिंगर टिप्स स्टिफनेस होता है, नामनेस होता है, हाथ पैर का उंगली, हाथ पैर का उंगली का भाग अगर नाम रहे अवश्य रहे उसमें कुछ सेंसेशन ना पाए, लपा मार जाए, तो ये फिंगर टिप्स और पैर का फिंगर में वो अगर नम फीलिंग हो, पैरालिसिस फीलिंग हो, तो मैकफॉस उसमें दिया जाते हैं। और इसका भी जितना भी दर्द मैंने बताया गर्मी लगाने से अच्छा रहता है, ठंडा में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है बारबरिस वल्गैरिस, एक होम्योपैथी मेडिसिन है, इसमें 3x बारबरिस वल्गैरिस दिया गया है। पहले जो बताया था मैंने ये सब बायोकेमिक था, अब ये जो मेडिसिन है बारबरिस वल्गैरिस इसमें भी देखा जाता है खास करके कमर में ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, स्टिचिंग पेन इन नेक बैक किडनी रीजन, कमर का पीछे जहाँ पर बैक किडनी रीजन हम लोग बोलते हैं उस जगह में दर्द होना, के साथ साथ गर्दन में और कमर में, और फिर एक पेट का नीचे से एकदम ब्लाडर यानी जहाँ पर हम लोग यूरिनरी ब्लाडर रहते हैं, पेशाब थली जहाँ रहते हैं यानी पेट का नीचे वहाँ पर ये पेन स्प्रेड होता है। और उसके साथ साथ हील यानी पैर का हील में पेन होता है और फिर दिखा जाता है हाथ और पैर की उंगली का नीचे जो न्यूरोलॉजिक पेन होता है, नाखून का नीचे एक न्यूरोलॉजिक पेन होता है, उसमें भी बारबरिस वल्गैरिस दिया जाता है। और ये बारबरिस जो है वो लेफ्ट साइडेड ज़्यादातर पांव तरफ का मेडिसिन है, लेफ्ट साइड में ये ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन का पेन स्टॉर्मी वेदर यानी बारिश के मौसम में, अगर बारिश होने वाला है वेदर हो झड़ वेदर होने वाला है तूफान आने वाला है झाड़ झंडा तूफान के वेदर में वो बढ़ जाते हैं। जब भी कोई तूफान आने वाला है झार पानी बरसात होने वाला है तो उसका दर्द बढ़ने लगता है, पहले से ही बढ़ने लगता है, वो समझ जाते हैं कि वेदर में कुछ चेंज होने वाला है, ठंडा पड़ने वाला है, कुछ वेदर स्ट्रॉन्ग आने वाला है, वो इसे डर जाते हैं और उसका सारी लक्षण ये स्ट्रॉमी वेदर में यानी किसी पानी झड़ जल ये सब हालत में भर जाते हैं। खास करके उसका चेस्ट में पेन होता है, रिप पेन होता है, चेस्ट का जो पंजरा है उसमें उसका रिप जॉइंट में पेन होता है, ठंडा लगने के कारण अगर छाती में दर्द हो तो ये रैनर प्लस बालबुसा दिया जाता है खास करके राइट साइडेड में। और उसका एक कैरेक्टर है वो जब सोते हैं तो अपना पैर को लेग को क्रॉस करके सोते हैं, दोनों पैर मोड़ के सोना ये रोडोडेंड्रॉन का एक आदत है, वो उस ज़्यादातर रोडोडेंड्रॉन का पेशेंट अपना पैर को मोड़ के सोते हैं, क्रॉस करके क्रॉस लेग करके सोते हैं। लास्ट जो मेडिसिन है रास्टॉक्स और रास्टॉक्स सिंड्रोम, ये भी ठंडा सर्दी पानी में भीगने का कारण अगर सर्दी खांसी हो तो उसमें दिया जाता है, जॉइंट पेन में दिया जाता है, खास करके अगर मॉर्निंग में एग्रावेशन हो, सोते हुए उठने का टाइम में अगर हाथ पैर कमर में बहुत दर्द हो, चलना फिरना मुश्किल हो, लेकिन अगर कुछ देर चलने के बाद कुछ काम करने के बाद थोड़ी देर बाद अगर ठीक हो जाए और चलते चलते ये दर्द कम हो जाए तो रास्टॉक्स उसमें दिया जाता है। रास्टॉक्स में दिखा जाए काम करते वक्त दर्द नहीं होता है, जब बैठते हैं कहीं जगह में उसका बाद दर्द शुरू हो जाते हैं। और ख़ास करके अगर पानी में भीगे रेनी वेदर में पानी में भीगे या बरसात के टाइम में तो ये रास्टॉक्स का दर्द और भी बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है रियोमेड ड्रॉप्स टैबलेट्स के बारे में मैंने बताया, वैक्सीन में टैबलेट फॉर्म में आते हैं और ड्रॉप फॉर्म में भी आते हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कुछ सवाल है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और कमेंट्स करने मत भूलिए। आज के लिए इतना ही,
थैंक यू।